कनकनी बढ़ने से जुगाड़ गाड़ी पलट गई, जिससे जुगाड़ गाड़ी का चालक की मौत हो गई। यह घटना बरारी थाना क्षेत्र के पोखर डोला के पास हुई। बताया जा रहा है कि जुगाड़ गाड़ी का चालक संतोष कुमार मंडल सेमापुर से वापस बरारी जा रहा था, तभी असंतुलित होकर उसकी जुगाड़ गाड़ी पलट गई और चालक उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मुंगेर के मुड़हेरी पंचायत के मध्य विद्यालय में गायत्री परिवार की ओर से वस्त्रदान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसएसबी के कमांडेंट रोशनलाल ठाकुर और चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार शामिल हुए। गायत्री परिवार की ओर से सैकड़ों गरीब और दिव्यांग लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जिससे कि कड़कड़ाती ठंड से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। भाषाई विवाद पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार इस मामले को गंभीरता से देखेगी। वहीं राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को कोई काम नहीं है, इसलिए हेमंत सरकार पर सवाल उठा रही है। ठंड को लेकर नवादा में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। जिलाधिकारी के आदेश के बाद बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी। लखीसराय में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने बाइक सवार दो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के पिछली ऑफिस के पास की है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ रंजन कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। जिन दो लोगों को गोली मारी गई है उनमें फन्नू सरदार और बिहारी बताए जा रहे हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। मुंगेर के मुढ़ेरी पंचायत के मध्य विद्यालय में गायत्री परिवार की ओर से वस्त्रदान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसएसबी के कमांडेंट रोशनलाल ठाकुर और चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार शामिल हुए। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बाढ़ के भंडारक पहुंचे और नवनिर्वाचित मुखिया गोरेलाल यादव के परिजनों से मुलाकात की। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नवनिर्वाचित मुखिया गोरेलाल यादव समेत तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने मृतक मुखिया के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और 5 लाख का चेक दिया। मंत्री सम्राट चौधरी ने परिजनों और गाँव के लोगों को आश्वासन दिया है कि एसआईटी का गठन कर लिया गया है और हत्या में संलिप्त किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही स्पीड ट्रायल चलाकर हत्यारों को सजा दिलाई जाएगी। झारखंड में ठंड से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है। राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की वजह से ठंड का असर अभी ज्यादा है। रांची बोकारो थर्मल देवघर और हसारीबाग जिला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। वहीं चाईबासा और जमशेदपुर का पारा 10 और 11 डिग्री के बीच है। राज्य में रांची में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं होने की वजह से दिन और रात में ठंड की स्थिति कायम रहेगी। 6 जनवरी से आसमान में बादल छाएंगे। मौसम में बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होगा। आसमान में बादल छाने के बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी, इससे ठंड में कमी आएगी और आमजन को कनकनी से राहत मिलेगी। बुंडू में विवाहिता की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके पति और पति की भाभी और एक दोस्त पर लगा है। आरोप है कि विवाहिता को जहर देकर मार दिया गया था। मृतका के भाई ने इसको लेकर बुंडू थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि दहेज को लेकर भी रीना को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। रीना कुमारी की मौत जहर खाने के कारण गत 31 दिसंबर को रांची में इलाज के क्रम में हुई थी। मृतका के भाई ने कहा कि गत 28 दिसंबर को उसकी बहन के पति द्वारा उसे सूचना दी गई कि रीना ने जहर खा लिया है। बुंडू अनुमंडल अस्पताल में इलाज के बाद वह ठीक है। 29 दिसंबर को रीना की तबीयत फिर बिगड़ गई और उसे मोदी सेवा सदन रांची ले जाया गया। बताया गया कि डॉक्टर ने बताया कि रीना ठीक है, लेकिन उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। मायके वालों के दबाव में रीना को राज अस्पताल में रांची भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में 31 दिसंबर को रीना की मौत हो गई। मायके वालों की ओर से भाई जितेंद्र कुमार महतो ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि रीना के पति शोभा प्रसाद और बुंडू के बाबू राम टोली निवासी रोशन जायसवाल और शोभा प्रसाद की भाभी तीनों ने मिलकर रीना को जहर देकर मारा है। बुंडू पुलिस ने पति शोभा प्रसाद और मृतक की बड़ी गोतनी मेमिन देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसको लेकर जिला प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभारी डॉक्टर गुलफान ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से पहले मास्क पहनने की अपील की, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की सलाह दी है। पटना के IGIMS अस्पताल में कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू हो गई है। अब ओमिक्रॉन के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सादा पॉजिटिव मरीजों के सैंपल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नीतीश के निर्देश के बाद IGIMS में यह जांच शुरू हो गई है। इसके लिए सबसे पहले 25 सैंपल की सीक्वेंसिंग शुरू हुई, अब 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे पहले सैंपल पटना से दिल्ली के NCDS लैब में भेजे जा रहे थे। सुपौल सदर प्रखंड के बलुआ पंचायत के वार्ड नंबर 9 में भीषण अगलगी में 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि पीड़ित शिव कुमार यादव के घर में आग लग गई। गांव के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि उसके गैरेज घर में अचानक आग की तेज लपटें उठती नजर आई और जब तक कुछ समझ पाते तब तक गैरेज में रखा ट्रैक्टर बाइक समेत सभी सामान जलकर खाक हो गए। उन्होंने आशंका जताई कि चुनावी रंजिश में किसी ने आग लगाई है। इस संबंध में पीड़ित ने स्थानीय प्रशासन CEO और सदर थानाध्यक्ष को घटना की सूचना दी है और मामले की जांच की मांग की है। सरसा के सत्तरकटिया प्रखंड अंतर्गत बेहरा गांव में खगड़िया के बाबूलाल शौर्य अनशन पर बैठ गए। बाबूलाल शौर्य ने पप्पू देव हत्या मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। गौरतलब है कि 18 दिसंबर की रात पप्पू देव की मौत हार्ट अटैक से होने की पुलिस ने पुष्टि की थी, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उसके बाद परिजनों और पप्पू देव के समर्थकों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उनकी हत्या की मुख्यमंत्री से न्यायिक जांच CBI के माध्यम से कराने की मांग करने लगे। इस दौरान 1 जनवरी को खगड़िया से पप्पू देव के गांव पहुंचकर बाबूलाल शौर्य आमरण अनशन पर बैठ गए। बाबूलाल शौर्य ने बताया कि अनशन लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने के लिए किया गया है। सुपौल जिले में खाद को लेकर किसानों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल गेहूं की बुआई को लेकर किसान परेशान है और उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसान आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में पिपरा थाना क्षेत्र के श्यामनगर बाजार में दुकानदार द्वारा खाद नहीं दिए जाने से नाराज सैकड़ों किसानों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि दुकानदार द्वारा काफी इंतजार के बाद भी खाद नहीं दिया जा रहा है। आरोप यह भी लगाया गया है कि चोरी छिपे दुकानदार सादा मूल्य लेकर किसी को खाद दे देते हैं, लेकिन उचित मूल्य पर किसानों को खाद नहीं दी जा रही है। आक्रोशित किसानों ने NH-106 को श्यामनगर में जाम कर दिया और प्रदर्शन कर रहे हैं। कटिहार में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने आटा चक्की व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र के नकीपुर पंचायत के पंडित मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि मृतक मंटू सिंह अपने ससुराल हृदयगंज में था, जहां अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर फोन कर बुलाया था। इसके बाद अपराधियों ने 2 गोली मार दी, जिससे वह गंभीर अवस्था में घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोग आनंद फानन में घायल मंटू सिंह को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। झारखंड में सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है, वहीं दिनभर चलने वाली सर्द हवाएं कपकपी बढ़ा रही है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो गया है, जिसके बाद यहां फिर से अधिक ठंड महसूस होने लगी है। रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री और गिरेगा, जिससे सर्दी और बढ़ने की संभावना है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित मानचोरी गांव के किसान चंद्रदेव महतो ने एक मनरेगा कूप से अपनी कहानी बदल डाली। वह गोभी की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। नाबार्ड से प्रेरणा लेकर किसान चंद्रदेव महतो ने अपने बेकार पड़े जमीन के पर खेती शुरू की थी। पहले कच्चे कुआं के जरिए सिंचाई शुरू की थी, लेकिन बाद में उन्होंने मनरेगा से कूप का निर्माण करवाया। मनरेगा से कूप बनाने के बाद उन्होंने खेती का दायरा बढ़ा दिया और आज केवल 1 एकड़ जमीन पर गोभी की खेती कर रहे हैं। बाकी बच्चे लगभग 5 एकड़ जमीन पर आलू, सरसों और बागवानी की खेती कर रहे हैं। किसान चंद्रदेव महतो ने बताया कि वे करीब 10 वर्षों से गोभी की खेती कर रहे हैं। गोभी की फसल 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। शुरू में तो इसकी अच्छी कीमत मिलती है, लेकिन धीरे धीरे दाम घटता जाता है। इसके बाद भी केवल गोभी की फसल से एक सीजन से में सभी खर्च काटकर लगभग 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाई होती है। नाबार्ड के अधिकारी भीम प्रसाद सिंह ने बताया कि मानजोरी के किसान धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं।